जैसे आपने कहा कि चिंटू चिंटू के साथ भी आपकी फिल्म अनाउंस हुई है जो अभी हाल ही में हमने पोस्टर देखा, उस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? कब से शुरू होगी, शूटिंग कहाँ कहाँ की जाएगी, बाकी कलाकार कौन कौन से होंगे उस फिल्म में? जी, चिंटू पांडे जी के साथ जो हमारी फिल्म है वो पड़ोसन उसका टाइटल है, और ये फिल्म हमारी मोस्ट गोरखपुर साइड में ही शूट होगी, यूपी में ही शूट करेंगे हम लोग। और इसमें एक तो मैं करेक्टर कर रही हूँ और एक कोई मार्केट की हीरोइन होगी जो भी उस वक्त अवेलेबल होगी, जिनकी डेट अभी कोई फाइनल नहीं की है हमने, क्योंकि अभी उसपे थोड़ा डायलॉग्स में थोड़े से इश्यूज है तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो दो तीन चॉइसेस है मेरी जो मैं चाहती हूँ कि वो काम करे, अगर डेफिनेटली उनको लगेगा तो मोस्ट वेलकम है। वैसे भी मेरे प्रोडक्शन में मैंने हमेशा बाहर हर एक्ट्रेस को इनवाइट किया है, और ये जी लॉकडाउन नहीं की जैसे वजह से शूट जी नहीं हो पाई, वरना अब तक ये कंप्लीट हो जाती। जी 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 नेहा जी, आपकी एक फिल्म है जो बहुत दिनों से चर्चाओं में है, राधे, और जिसका हाल ही में एक गाना भी रिलीज किया गया है जिसमें आप और रवि जी एक साथ नजर आ रहे हैं। उस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कब तक दर्शकों के बीच आएगी और कब तक फैंस देख पाएंगे आपके उस फिल्म को? उस फिल्म को लेके ना मुझे बहुत बहुत दर्द है पूजा जी, मैं मतलब मेरा मन करता है अकेले में बैठ के कभी कभी कि इतनी बड़ी फिल्म बन गई लेकिन पता नहीं क्यों रिलीज नहीं हुई। और पूरी पूरी कोशिश है कि अब लॉकडाउन खुले, थिएटर खुले, सब कुछ रेडी है, फिल्म का सेंसर हो गया है, फिल्म के गाने ऑलरेडी सब धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, तो बस जिस दिन थिएटर खुलेगा उसके एक वीक में हमारी फिल्म राधे थिएटर पे होगी, क्योंकि वो बड़ी फिल्म है। मैं नहीं चाहती उसको किसी ओटीटी पे रिलीज करना, जबकि आजकल बड़ी बड़ी फिल्में हो रही है, लेकिन भोजपुरी की मतलब अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मैं उसे मानती हूँ, मेरी लाइफ की। सब सब अपना अच्छा अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन जी उसमें साथ साथ हीरोइने हैं, रवि किशन जी है, कल्लू जी है, और प्रियंका पंडित है, सीमा सिंह है, गुजरात से बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं वो हैं, झील जी हैं, तो काफी बड़ी फिल्म है। अवतार गिल जी है जिन्होंने पहली बार भोजपुरी में काम किया है, पंजाबी एक्टर जो है, तो काफी बड़ी फिल्म बन गई है वो। और जी थिएटर की में एक बार पब्लिक को मुझे लगता है कि वो फिल्म आ जाए, बस मैं प्रे कर रही हूँ कि जल्दी आ जाए। सब कुछ रेडी है, सारी बातें हो चुकी है, सब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, थिएटर्स की वजह से, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। और हमारे उसमें पीआरओ है उदय भगत जी, जिन्होंने पूरी कमांड संभाली हुई है जी जी उसमें हाथी भी है, जैसे कि हाँ फिल्म में हमने ट्रेलर में भी देखा हाथी की अहम भूमिका, जहां तक ट्रेलर देख के लगता है कि उसकी उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। तो कैसे शूट के दौरान कुछ तकलीफें हुई थी, जैसे कि हाथी के साथ शूट करने में काफी सारी मुश्किलें तो आई होंगी, कुछ शेयर करना बहुत चाहेंगे उस बारे बहुत में? ज्यादा बहुत ज्यादा। एक्चुअली मेरा फिल्म का जो राधे जो टाइटल है ना, वो राधे मतलब मेरा हाथी है, मेन हीरो हमारी फिल्म का वही है। और प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई थी उसके साथ, मावत, उसके डॉक्टर्स, और उसके मतलब क्या बोले हमारे हीरो से ज्यादा उसके उसका स्टाफ था, और डेली उनका चेकअप होता था, और वो एक बारी में मतलब इतने ट्रक्स शूट तो मैंने लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि किसी शूटिंग पे पूरे यूनिट के लिए आए होंगे जितने उस अकेले के लिए आते थे। और उसका सबसे प्यारा चीज क्या थी, वो बिना खाए कोई काम नहीं करती थी, मतलब अगर उसको उसके उसके साथ एक शॉट भी करना है तो उसको पहले तीन चार मतलब बड़े बड़े फ्रूट्स खिलाने पड़ते थे जी और अच्छा था सब एक्सपीरियंस बहुत ही। गणपति बापा है, आशीर्वाद देके गए तो कुछ अच्छा ही होगा, मुझे बहुत उम्मीद है अपनी फिल्म से, देखिए क्या होता है। बाकी राधे दिन में सिर्फ 4 ही घंटे काम करती थी, ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाला था, क्योंकि पूरी फिल्म हाथी के ऊपर थी लेकिन हमें सिर्फ 4 घंटे की परमिशन थी, सिर्फ 4 घंटे। जी और वो आई भी बहुत दूर से थी, वो राजस्थान से आई थी गुजरात में, तो जी वैनिटी में आना फिर उसको वापस छोड़ना और जी लेकिन सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि वो एक फैमिली मेंबर बन गई थी। जितने दिन भी शूट हुआ हमारा, रवि जी सुबह उठ के उसके साथ क्रिकेट खेलते थे, कल्लू जी क्रिकेट खेलते थे, और उस मतलब बहुत ही अच्छे उसमें जो हमारे ट्रेनर थे उनके, ऑलरेडी जोधा अकबर में वो हाथी काम कर चुकी है, और बहुत एक्सपीरियंस वाली थी, और उसको मतलब लगा नहीं हमें मतलब कि इतना डिफिकल्ट होता है, मतलब काम करना तो होता ही है लेकिन एक होता है ना डर लगता है, मतलब ऐसा डर वाला माहौल नहीं था,
बहुत ही प्यारे तरीके से उनको रखा गया था। जी अनेह जी, और भी काफी सारी फिल्में हैं, जैसे कि लॉकडाउन के पहले हम जानते हैं कि आपने 5 फिल्मों की शूटिंग शुरू की थी, क्या वो 5 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो गई है? जैसे कि हम सेट पर भी आए थे, आपने मुंबई में शूट किया और भी जगहों पर शूट किया था, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कितने फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और क्या क्या बाकी है फिल्मों को लेकर कुछ बताना फिल्मों का बस रिलीज बाकी है मेरे प्रोडक्शन की, 13 फिल्में बन के रेडी है जो बस थिएटर्स खुलने का वेट कर रही है। अभी नए हीरो लॉन्च हो रहे हैं हमारे भोजपुरी में, आप जैसे जानते ही है कि नयाश्री प्रोडक्शन हमेशा से नए कलाकारों को चांस देता आया है, उसमें अवधेश प्रेमी है जिनके गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो ट्रेडिंग में चलते हैं यूट्यूब पे भी, अवधेश प्रेमी करके है, पहले प्रमोद प्रेमी लॉन्च हुए चना जोर गरम से और अब इस बार अवधेश प्रेमी लॉन्च हो रहे हैं पियावा हिंदुस्तानी से, उसमें उनकी साथ हीरोइन है तनुश्री और एक मिठू माशल है उनके साथ, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है और आरसी म्यूजिक इसको प्रेजेंट कर रहा है और ये फिल्म बनके रेडी है, बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से लॉकडाउन खुले तो ये फिल्म भी मार्केट में आ जाएगी। अब देश भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छा हीरो मिलेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके अंदर वो सब काबिलियत है जो एक हीरो में होनी चाहिए। और इसके अलावा डायन एक फिल्म है, आपने कहा कि आपके प्रोडक्शन से डायन एक रिलीज होने वाली है जिसमें तनुश्री और अवधेश प्रेमी है, ये भी ये ऑलरेडी बन के तैयार है और ये कैप्टन हिट्स वॉच पे इसके गाने भी आ चुके हैं, ट्रेलर भी आ चुका है, कैप्टन म्यूजिक कंपनी ने इसको खरीदा है और आई थिंक ये भी रिलीज हो जाएगी। बाकी मिली तो मिली का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ लॉकडाउन में, सबने देखा है बिफोर यू पे मिली तो मिली ना, तो जैसी आराम जिसमें ऋषभ गोलू जी थे और मैं थी, मोहिनी घोष जी हैं और उसमें पूनम दुबे जी हैं, बहुत ही अच्छी फिल्म है वो, दुर्गा दादा है हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे, आदि शक्ति एंटरटेनमेंट वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो प्रोडक्शन हाउस है नयाश्री प्रोडक्शन हाउस, उसमें नए नए कलाकारों को मौका दिया जाता है, कैसे आप लोग कैसे नए कलाकारों का चयन कैसे करते हैं, क्या कोई ऑडिशंस रखते हैं या फिर कैसे होता है सबका? पूजा जी मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भी पहले बहुत ऑकवर्ड लगता था कि मैं खुद एक कलाकार हूँ और लेकिन मेरे ऑफिस में ना आप मतलब कभी भी आएंगे ना आपको 4 से 5 नए सिंगर्स हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी उन्होंने ऑलरेडी 55 लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको लॉन्च किया है और सब भोजपुरी की जितनी हिट फिल्में हैं ऑलरेडी सर बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं इंडस्ट्री के, सब जानते ही है, अब वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो ये बलमा बिहार वाला हो गई, सपेरा हो गई और हीरो में ही आप देख लीजिए कल्लू जी को पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाले वही थे कलुआ भैल सियान से, प्रमोद प्रेमी अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको लॉन्चिंग उन्होंने दी, रितु शर्मा जी को उन्होंने लॉन्चिंग दी सपेरा से, और भी काफी सारे आर्टिस्ट है ऐसे, टेक्नीशियंस कितने सारे हैं जो आज बहुत बड़े बड़े कैमरामैन बन चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने लॉन्च किया, तो सर को अब लोग मुझे लगता है कि सर को ऐसा समझते हैं कि ये एक मैं सर को तो पारस बोलती हूँ कि जिसपे भी हाथ रखते आगे निकल जाता है क्योंकि मैं भी एज एन एक्ट्रेस वर्क करती थी तो उनकी इच्छा थी कि मैं एज एन प्रोड्यूसिंग लाइन में भी आऊं, तो सर ने मेरे ऊपर भी हाथ रखा तो भगवान की दुआ से मेरा प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो रितेश ठाकुर जी का इसमें मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो नए कलाकारों को इतना इज्जत सम्मान प्यार करते हैं और इतना आगे बढ़ाया उन्होंने और मुझे तो बढ़ाया है तो मैं बोलती भी हूँ। मतलब मैं एज एन गेस्ट एपीरियंस ट्रक ड्राइवर 2 में चिंटू जी के साथ करने गई थी, जो मेरा गाना अब तक का सबसे हिट गाना है मन करे सिलवट पे मच्छरदानी वाला गाना, और वही दौरान वहां में मुझे रितेश जी से मुलाकात हुई, तब मैं उस वक्त राजस्थानी इंडस्ट्री में ज्यादा वर्क करती थी, तो सर ने बोला कि आप भोजपुरी में एज एन प्रोड्यूसर भी काम कीजिए क्योंकि राजस्थानी आप ऑलरेडी करती है, बस वहीं से फिर मेरे को लगा कि करना चाहिए, तो राजस्थान में ना हाथी घोड़े सांप ये सब चीजों पर थोड़ा ज्यादा वहां पे अट्रैक्शन है, तो मैंने कहा सर मैं पहली फिल्म बनाऊंगी तो मुझे लगता है कि सांप सूप की फिल्म होनी चाहिए या फिर ऊंट को लेके बना लो, तो सर ने कहा राजस्थान में तो हाथी भी है हाथी को लेके कर लेते हैं, ऐसे करते करते मेरी राधे फिल्म बन गई जी जैसे कि राजस्थानी मूवी से आप जुड़ी हुई है, काफी खास हिस्सा है आप,
अभी वहां पे भी कोई फिल्मों की शूटिंग चल रही है या फिर वो फिल्म वहां के भी इंडस्ट्री में आप कितनी फिल्में कर रही है या फिर कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ बताना चाहेंगे कि भोजपुरी के अलावा राजस्थानी फिल्मों में भी आप कितनी सक्रिय है इन दिनों? जी बिल्कुल, राजस्थानी फिल्म मेरी ऑलरेडी बन के रिलीज है छोरी नंबर वन, जो जल्द रिलीज होने वाली है, उसमें लोकेश जी है मेरे हीरो। और एक फिल्म कर रही हूँ बिंदनी, बिंदनी आप समझते हो, मतलब राजस्थान में बहू रानी मतलब दुल्हन को बिंदनी कहा जाता है, वो एक फिल्म है मेरी जी। तो अभी शूट पे जाने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं गई। बाकी बहुत सारी फिल्में हैं, भवरी जो मर्डर केस हुआ था आपने सुना ही होगा, ऑल ओवर इंडिया में फेमस था वो भवरी फिल्म, फर्स्ट लीड मैंने उसमें किया था, उसके बाद बहुत सारी उस पर फिल्में बनी। तो राजस्थान से भी प्यार मिलता रहता है, भोजपुरी से भी प्यार मिलता रहता है। आपने लाइव वीडियो के दौरान बताया कि राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री से आप काफी इमोशनल हो गई थी, आप काफी लाइव वीडियो के दौरान वो भी रही थी, उस बारे में अगर कुछ बताना चाहें अपने फैंस को तो? हाँ मैं मुझे पता था अभी जरूर पूछेंगी। एक्चुअली एक एसोसिएशन है जो राजस्थान के नाम पे मुंबई में ही चल रही है, राजस्थान फिल्म एसोसिएशन मुंबई। ये उन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब कलाकारों को लेके, मतलब मेरे को भोजपुरी को लेके उन्होंने, मैं सच सच बताऊंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उन्होंने भोजपुरी को लेके ना मुझे मतलब एक ग्रुप बना रखा था, अलग से ही टारगेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लगता है कि भोजपुरी में बहुत ही अजीब तरीके के गाने होते हैं, बहुत अजीब तरीके की हीरोइने होती है। तो ये बात ना थोड़ी सी मुझे बहुत बुरी लग गई, उस ग्रुप में ये सब चैटिंग चल रही थी क्योंकि उसका हिस्सा मैं भी थी। तो फिर मैंने उसके लिए मैंने उनको सीधा बोला, आपको बोलना है तो आप मुझे बोलो, इंडस्ट्री के बारे में क्यों बोल रहे हो, अगर कल को आपको ही कोई ऑफर करेगा कि आके भोजपुरी में काम करो तो आप तो खुद आ जाओगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि भोजपुरी की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, हमारा बिहार यूपी आप देख लो कितना, मतलब इतने हिंदी के व्यूज नहीं होते जितने हमारे सिंगर लोगों के, एक्टर लोगों के व्यूज होते हैं, तो कम से कम आप उनकी तो रिस्पेक्ट करो, आप किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं बोल सकते। तो इसको लेके मुझे थोड़ा सा बहुत इमोशनल फील हुआ, तो मैं फिर लाइव आ गई और लाइव आने के बाद बहुत हंगामा भी हो गया, मुझे सब सब एक्टरों के फोन आ गए, क्या हुआ बताओ हम साथ में, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ठीक है। जी अनुरा जी, अभी इन दिनों आप कहाँ है, मतलब जैसे कि कोविड का समय है, काफी माहौल खराब है, तो आप सुरक्षित है इस, मतलब इस बीमारी से आप बची हुई है, मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना इस दौरान? नहीं नहीं बिल्कुल, साईं बाबा का आशीर्वाद है, अभी तक मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, पहले मैं हिमाचल चली गई थी अपने गांव में, और अब मैं दिल्ली में हूँ मम्मा के साथ, और अभी तक सब कुछ अच्छा है, और बस आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, ऑडियंस का इतना सपोर्ट है कि अभी तक ठीक है। डर तो लगता है लेकिन ठीक है अभी। जी अब कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत बार बताया है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड से बचने के लिए, क्या क्या करना चाहिए सुरक्षित रहने के लिए, तो कुछ अपने फैंस को उस बारे में बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से जितनी मेरी कोशिश होती है मैं सबको वीडियो बना बना के भेजती रहती हूँ, जबकि मुझे इतना ज्यादा, मैं सोशल साइट पे मुझे इतना ज्यादा एक्टिव रहना मतलब आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना बिहार की, वो बहुत लाइक करती है सब चीजें, तो अब दूसरों को देख देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी रहना चाहिए, तो मैं अब आजकल ज्यादा एक्टिव हूँ। और बस मैं इतना ही कहूंगी, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर काम भी कर रहे हैं तो प्लीज मास्क मत उतारिए, और वैक्सीन जरूर ले, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन बहुत सेफ है, मेरी भी फर्स्ट डोज हो चुकी है, और कुछ नहीं है, मतलब वो लोग गोली देते हैं, हल्का सा बुखार आएगा, अगर वो तो वो भी कई लोगों को आ नहीं रहा है, बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है कि वैक्सीन से इश्यूज हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं, और आप सेफ्टी से अपना ख्याल रखिए। बाकी ये तो बहुत अच्छा हो गया, इवन कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में, कि डिस्टेंस में रहना चाहिए, अपना टॉवल अलग रखिए, अपने कपड़े, अपना कंघा, वैसे भी ये तो पहले से ही लोग बोलते आ रहे हैं, जो हमारे पहले दादी नानी सब भी समझाती आई है कि अपना टॉवल शुरू से अलग रखो, दूसरों से दूरी बना के रखो, वही सब चीजें अगर हम अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं तो इससे अच्छा तरीका और कोई लगता नहीं है मुझे। बाकी जिनके साथ जो हुआ है फैमिलीज में, कई कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, कईयों के कितने रिश्तेदार चले गए, उन सबके लिए बस यही है कि प्लीज आप लोग हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला है, अपना ख्याल रखिए अच्छे से, बाकी भगवान पे भरोसा रखो। जी अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए,
जो फैंस आपकी फिल्मों का इंतजार करते हैं हमेशा, खासकर आपकी जो प्रोडक्शन की फिल्में होती है उनका इंतजार करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि आप सबकी वजह से मैं हूँ, और आप सब इतना प्यार आशीर्वाद मुझे देते हैं, मेरी फिल्मों को देते हैं। मेरी पहली फिल्म चना जोर गरम आप लोगों ने हिट कराई, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब राधे रिलीज हो रही है, एक हाथी है, गणपति जी का आशीर्वाद लेने आप लोग आइएगा, और जितनी भी फिल्में मेरी आ रही है मैं एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ उसमें, कि अच्छी फिल्में भी बनती है। लोगों को बहुत शिकायत रहती है अच्छी फिल्में नहीं बन रही, लेकिन अब अच्छी फिल्में बनने लग गई है, लोग काफी चेंज आया है, लोगों में इंडस्ट्री में भी काफी चेंज आया है। तो आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहे। आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही हमारी इंडस्ट्री आज इतनी ऊपर है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह होगी जहां भोजपुरी फिल्म ना देखी जाती हो। इवन चाहे कोई भी स्टेट ले लो, सब में भोजपुरी के फैंस है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ऊपर है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहेंगे तो हम लोग अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे आप सबके लिए, क्योंकि एक कलाकार को सिर्फ प्यार चाहिए पूजा जी। और थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच नेहा जी हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जूम, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू लहरी।